माय फ्रेंड वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से न्यू वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं फॉक्स टीवी पे शुरू होने वाली फर्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड की। शो के लिए पहले से ही WWE ने काफी कुछ अनाउंस किया हुआ है, बड़े बड़े लेजेंड्स यहां दिखने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या दिखा आज के इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बैकी लिंच के सेगमेंट से हुई, वो आके कहती हैं कि मेरी शुरुआत यही हुई थी, मैं एक्शन करना चाहती हूं और किसी को बैक स्टेज चैलेंज करना चाहती हूं। तभी किंग कॉर्बिन की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि कोई भी बैकी लिंच को नहीं देखना चाहता है। कॉर्बिन के रिंग में एंट्री करने से पहले ही रॉक का म्यूजिक हिट हुआ और उनकी एंट्री हुई। फैंस रॉकी रॉकी चैंट्स करते नजर आए। रॉक कहते हैं कि मैंने कई साल पहले किसी को ये कहा था कि मैं उस पर स्मैकडाउन कर दूंगा, अब मैं वापस आया हूँ अपने फैंस से मिलने के लिए। लेकिन द रॉक इससे आगे कुछ कहते हैं, बैरन कॉर्बिन उन्हें टोक देते हैं। द रॉक कहते हैं कि क्या कॉर्बिन खुद को सबसे बड़ा मानते हैं। कॉर्बिन जवाब देने ही वाले होते हैं बट उनके जवाब को बैकी लिंच ने रोक दिया। रॉक ने कॉर्बिन को एसटीडी कह दिया। अचानक से बैकी लिंच ने बैरन कॉर्बिन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद रॉक भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी किंग कॉर्बिन पर पीपल्स एल्बो और उसके बाद रॉक बॉटम लगा दिया। इसके बाद हमें बैकी लिंच शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शाशा बैंक्स बैली के बीच मैच दिखा। शार्लेट और बैली ने मैच की शुरुआत करी। शुरू में ही बैली ने शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करा और टैग शाशा बैंक्स को दिया। शार्लेट ने शाशा बैंक्स पर पलटवार करते हुए वापसी करी। अब रिंग में बैकी लिंच और बैली आमने सामने आई। बैकी लिंच ने बुरी तरह बैली पर अटैक करा, बैंक्स पर टैग गया और वो बैकी लिंच से लड़ती नजर आई। रिंग में शार्लेट फ्लेयर और बैली भी भिड़ते हुए दिखाई दिए। तभी बैकी लिंच ने शार्लेट को टैग दिया और उन्होंने बैली पर फिगर 8 लगा के मैच जीत लिया। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं बट नाकामुरा के आने से पहले फायरफ्लाई फन हाउस का सेगमेंट दिखा। ब्रे वाइट ने अपने फायरफ्लाई फन हाउस के सभी मेंबर्स से मुलाकात करवाई। ब्रे वाइट ने सेथ रॉलिंस को रैम्बलिंग रैबिट और एक रोल प्ले की हेल्प से बताना चाहा कि वो हेल इन अ सेल में फिंड से ना लड़े। इसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर धावा बोला। वहीं शुरू में ही नाकामुरा ने आर्मबार लगा के मैच जीतना चाहा बट सेथ रॉलिंस ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा, दोनों ने एक दूसरे पर बेहतरीन मूव्स लगाए। सेथ रॉलिंस जीत के काफी करीब थे बट तभी फिंड की एंट्री होती है, वो आके सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और उन्हें स्टेज रैंप से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद हमें केविन ओवंस वर्सेस शेन मैकमैन के बीच करियर लैडर मैच दिखा। शेन मैकमैन एंट्रेंस कर ही रहे थे तभी केविन ओवंस ने रैंप पर जाकर उन पर जबरदस्त जोरदार अटैक करा और शुरू में ही केविन ओवंस ने ब्रीफकेस को उतारना चाहा बट शेन मैकमैन ने पलटवार करते हुए केविन ओवंस को अनाउंस टेबल पर दे मारा। इसके बाद केविन ओवंस ने शेन मैकमैन को लैडर पर पटका और उन पर शानदार फ्रॉग स्प्लैश लगाई। इसके बाद लैडर बीच में से टूट गया। अब केविन ओवंस ने लैडर लगा के फिर ब्रीफकेस उतारना चाहा बट शेन मैकमैन ने आके उन्हें फिर रोका। शेन मैकमैन ने इसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट मूव लगा डाला। इसके बाद शेन मैकमैन ने लैडर पर चढ़ना चाहा बट केविन ओवंस ने आके उन्हें रोका और लैडर पर पावर बम्प दे दिया। इसके बाद केविन ओवंस ने ब्रीफकेस ले लिया। जोरदार मैच दिखा इन दोनों के बीच, जमकर लैडर और चेयर इस मैच में चलती हुई दिखाई दी। केविन ओवंस ने मैच जीत लिया और उन्होंने माइक लेके शेन मैकमैन को उठाया, यू फायर्ड बोल के जबरदस्त स्पिनर शेन मैकमैन को लगा दी। इसके बाद हमें 8-मैन टैग टीम मैच दिखा जो कि हैवी मशीनरी, ब्रॉन स्ट्रोमैन, मेज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, डॉल्फ जिगलर, रॉबर्ट रूड और एजे स्टाइल्स के बीच दिखा। शुरू से ही ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी एग्रेसिव नजर आए और उन्होंने सभी को ढेर करा और रिंग साइड सभी को शोल्डर टैकल मारते नजर आए। तभी क्राउड में बैठे टाइसन फ्यूरी से ब्रॉन स्ट्रोमैन को कुछ खटपट हुई, दोनों एक दूसरे को उकसा रहे थे। तभी डॉल्फ जिगलर ने आके पीछे से ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करा बट ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डॉल्फ जिगलर को बैरिकेड में दे मारा। तभी डॉल्फ जिगलर टाइसन फ्यूरी को भी जाके लगे। इसके बाद डॉल्फ जिगलर ने एक शानदार सुपर किक ब्रॉन स्ट्रोमैन को मारी बट उसके बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस मैच को जीत लिया। जीत यहां ब्रॉन स्ट्रोमैन, हैवी मशीनरी और मिस की हुई। इसके बाद हमें रोमन रेंस वर्सेस एरिक रोवन के बीच मैच दिखा। ये एक लंबरजैक मैच था जिसमें रिंग साइड 20 सुपरस्टार मौजूद थे। डेनियल ब्रायन कमेंट्री टेबल पर नजर आए। मैच शुरू होते ही रोवन ने अपनी ताकत दिखाई और रोमन रेंस को बाहर कर दिया। बाहर खड़े स्टार्स ने रोमन रेंस को वापस रिंग में डाल दिया। इसके बाद एरिक रोवन ने रोमन रेंस को रिंग पोस्ट पर मारना चाहा बट रोमन रेंस ने वापसी की कोशिश करी। इसके बाद रोमन रेंस ने शानदार सुपरमैन पंच एरिक को दिया। ल्यूक की साइड से भी मैच में दखल दिखा जिसे डेनियल ब्रायन और बाहर खड़े सुपरस्टार ने रोका। दोनों ने इस मैच में एक दूसरे के अच्छे मूव्स को रिवर्स करा। रोमन ने एंड में एरिक को स्पीयर देके मैच जीत लिया। डेनियल ने भी ल्यूक हार्पर पर अटैक करा। मैच के बाद डेनियल ब्रायन ने रोमन रेंस को पार्टनर बनाने का ऑफर दिया जिसे रोमन रेंस ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिखा। मात्र कुछ ही सेकंड में आके ब्रॉक लेसनर ने कॉफी किंगस्टन को हराकर टाइटल जीत लिया। इसके बाद रे मिस्टीरियो का म्यूजिक हिट हुआ, उनके साथ फॉर्मर MMA स्टार
केन वेलास्केज की एंट्री दिखी। केन वेलास्केज ने यूएफसी में ब्रॉक लेसनर को हार का मजा चखाया था। उन्होंने रिंग में आके ब्रॉक लेसनर को पटक कर दे दनादन पंच चढ़ दिए। कुछ टाइम तो ऐसा लगा जैसे यूएफसी की फाइट चल रही है, बट मौका देखकर ब्रॉक लेसनर रिंग छोड़कर निकल जाते हैं। यहीं आज का शो खत्म हुआ। शो में मिक फॉली, कर्ट एंगल, ट्रिस स्ट्रेटस, लीटा, बेला ट्विंस, रिक फ्लेयर, हल्क होगन भी देखने को मिले, बट ये क्राउड में ही आके बैठे। किसी भी तरह का इनका सेगमेंट देखने को नहीं मिला, हो भी नहीं पाता, शो काफी छोटा था। वहीं ब्रॉक लेसनर के हाथों कॉफी किंगस्टन की इतनी जल्दी हार डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि वो रसलमेनिया के बाद से अपना टाइटल सबके खिलाफ बताते चले आ रहे थे और कुछ ही सेकंड्स में उन्हें हार मिल गई। केन वेलास्केज की एंट्री ने चौंकाया और ब्रॉक पर हमला करके WWE ने जता दिया है कि ये दोनों जल्दी एक दूसरे से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।